कितनी शिद्दत से कांटे लगाता हुआ रोहित। आज है डगैली वाली रात, बड़ी वाली डगैली। और वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून, की हालचाल, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सबसे पहले सभी को हैप्पी टीचर्स डे। सभी को हैप्पी टीचर्स डे इसलिए बिकॉज मेरा मानना है कि सिर्फ टीचर्स ही नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। सो दैट्स वाई हैप्पी टीचर्स डे टू एवरीवन। और मेरे टीचर्स को तो दिल से प्रणाम है सबको, अगर कोई देख रहा होगा। एंड सेकेंड थिंग, आज है डगैली, और हिमाचल के लोगों को पता होगा कि ये क्या चीज़ है। बाकी इसके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताऊंगी। मैं घर में नहीं हूँ इसलिए पूरा डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगी कि किस तरीके से इस दिन क्या क्या होता है, बट थोड़ा सा आपको ज़रूर दिखाऊंगी। सो ब्लॉग को पूरा ज़रूर देखिएगा। शीना बनाते हैं, देखिए शीना को गौर से। और ये है दीदी, और ये है पूनम दीदी, ये काले काले हो गए पूनम दीदी। दिखा दो तुमने बनाया है। एक ये इसने आज फोन तोड़ा, इसने इस शख्स ने अपनी मम्मी का, देखो गाइस फोन तोड़ा, देखिए फोन तोड़ा जिस पर से, देखिए तब क्या हुआ, टूट गया। अचीवमेंट, चलिए फिर ये दीदी चलते हैं। तेरा बोलना जरूरी है। आप ही लाए आप ये? तुम बोल पूरे एक एक पत्ती लगानी। सो गाइस, ये है दिशा जो कि कांटे ले जा रही है। बाबा, मैं गिर गई थी। ऐसा ही होता है फोन के चक्कर में ना, हमेशा ऐसे ही होता है। चलो जाएगा। हाँ लगा दे झाड़ू, पर ये झाड़ू लगाने के लिए नहीं है बहन। चलो, ये सुरक्षा के लिए, दीशु की सुरक्षा के लिए, कि कहीं उसको उसके साथ वाले ले ना जाए अपने साथ। शुरुआत करते हैं शुरुआत से। भारतीय जो हिंदू कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग ये जो ईयर शुरू होता है वो शुरू होता है चैत्र मंथ से, जो कि आता है मार्च और अप्रैल के बीच, और ये ख़त्म होता है फाल्गुन में, जो कि आता है यूजुअली मतलब फरवरी और मार्च के बीच। सो इस तरीके का ये पूरा रहता है। इस दौरान श्रावण मंथ के एकदम से बाद, श्रावण के बारे में तो ऑब्वियसली सबको बहुत पता होगा, शिव जी का फेवरेट मंथ है वो। उसके तुरंत बाद आता है भाद्रपद, भद्र और काला महीना जिसे कहा जाता है, भादों का महीना। यहाँ पे हमारे हिमाचल में काला महीना भी कहा जाता है इसे। एंड इस मंथ के बारे में काफ़ी सारी मान्यताएँ हैं, और इस महीने में जो देवता के जो मंदिर के पाठ होते हैं वो बंद हो जाते हैं, ऐसा कहते हैं। देव कार्य कोई भी नहीं होता है, कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। बहुत रेयरली कुछ जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो काम होते हैं वो होते हैं, बाकी उसके अलावा नहीं होते कोई भी काम। एंड इस दौरान ये रहता है कि जो नई नवेली दुल्हन होती है उनको ये पूरा मंथ बिताना होता है अपने मायके में। एंड ऐसा कहते हैं कि सास का चेहरा अगर वो देख ले तो कलेश होता है, कुछ लड़ाई होती है, तो उस वजह से। हालांकि अभी थोड़ा कम हो गया है, कुछ लोग कुछ दिन रह के फिर अपने ससुराल चले जाते हैं वापस। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, मे बी ये डिफ़र हो सकता है डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, इनफैक्ट प्लेस टू प्लेस ये डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो डिफरेंस है। सो ये चीज़ है। एंड इसी दौरान बीच में आता है अमावस्या से पहले दिन, जिसको बोलते हैं डगैड़ी, डनास, डंगवास कहा जाता है। और इस दिन माना जाता है कि देवताओं और डायनों के बीच युद्ध चला होता है, और इस युद्ध से रिलेटेड जो मान्यताएं हैं वो थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग लगती है मुझे। वो क्या है मैं आपको बताती हूँ। आपको बस मैंने आ रही ऊपर, अरे बना नहीं रहे, बुला रहे आपको। ये हमारी दादी, मॉडर्न दादी। और ये दिशु यहाँ पे कांटे लगा रही है। कहाँ है? हाय शुभम, जूम मार रहा है, क्या कर रहे हो? हेलो शुभम। दिशु कहीं से भी उनको आने नहीं देगी, क्योंकि दिशु का मन नहीं है कि ये उनके साथ जाए, है ना दिशु?
बस बस भाई बस। देखो इन्हें ये है ओस की बूंदे। हर खिड़की पे कांटे लगाए जाते हैं। अब अगर मैं हमारे बात करूं, दूसरे तरीके से कांटे लगाए जाते हैं, मतलब हेलो गाइस ये नहीं लगाए जाते। लेकर आ रहा शुभम वास वाली रात जो है, जो तिमुर होते हैं, तिमुर के पत्ते और को अभिमंत्रित जो सरसों होती है, जौ होती है, जो कि यूजुअली जो कुल पुरोहित होते हैं उनके द्वारा दी जाती है, उसके साथ जो है और गोबर के साथ उसको चिपकाते हैं। ये माना जाता है कि इस वजह से जो बुरी शक्तियां हैं वो प्रवेश नहीं करती है घर पे, सभी दरवाज़ों और सभी खिड़कियों पे वो लगाए जाते हैं। तो ये एक मान्यता है, कई जगह ये काफ़ी कम हो गया है। एंड इस दिन जो है खाने के लिए बनते हैं पतरोड़ू पतीड़, जो कि मैंने आपके साथ वीडियो शेयर करी है कि कैसे बनाते हैं वो, अगर वीडियो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखिएगा। एंड तिमुर के बारे में भी कि उसके क्या क्या गुण हैं, आध्यात्मिक क्या गुण हैं और मतलब कौन कौन सी चीज़ें उसके बारे में है, वो उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बना के रखी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको वो भी देखनी है आप वो भी देख सकते हो। शिद्दत देख रहे हो लड़के की? बस कितनी शिद्दत से कांटे लगाता हुआ रोहित। दीदी को लगाऊंगा कांटे आप? मेरे को नहीं, नहीं लगा पाओगे। तो फंस गया ना? बिल्कुल। लो आप क्या रहे हो? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? कुछ भी, मतलब कुछ भी। गाइस आज है बड़ी डकैती वाली रात और जो भी प्रबंध है बड़े भयंकर तरीके से किए जा रहे हैं। वैसे हमारे गांव में, हमारे घर में इतना ज़्यादा नहीं होता है, मतलब इतना टेरर नहीं है। अगर मैं अकेली होती तो मैं पक्का डर जाती भाई, जिस हिसाब से यहाँ पे मतलब होता है ना सब कुछ ही और बातें। बट चलो ठीक है, यहाँ पे इतने बड़े बड़े कांटे लगा के रखे हैं, गलती से कहीं हाथ लग गया ना भाई, इसके कांटे भी भयंकर होते हैं। और इसके तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता के रखी है पहले भी, और वैसे इसका बहुत महत्व माना जाता है। नेताओं के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये जो पूरा मंथ रहता है, जो काला महीना रहता है, इस महीने ये माना जाता है कि किसी भी देवी देवताओं की जो शक्तियाँ हैं वो काम नहीं करती है, और सिर्फ जो है गोगा जी महाराज की शक्तियाँ काम करती है। एंड गोगा नवमी होती है जन्माष्टमी के ठीक नेक्स्ट डे, और ये माना जाता है कि सिर्फ उन्हीं की जो है शक्तियाँ काम करती है। वो इस मंथ के दौरान जो है उनके वो घर घर आते हैं और मतलब पूजा और जागरण भी होते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें होती है। अब वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, अगर पॉसिबल हो और अगर हम रहेंगे यूट्यूब पे तो फिर नेक्स्ट ईयर आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी वो चीज़। तो गाइस ये जो देवताओं और डायनों का युद्ध होता है, इसके बारे में जो मान्यता है वो बहुत ही उल्टी मुझे लगती है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर डायने जीतती है तो महामारी ख़त्म हो जाती है, फसलें अच्छी होती है, सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, और अगर देवता जीतते हैं तो फिर उसका उल्टा हो जाता है, महामारी फैलती जाएगी, घटनाएँ होती रहेंगी, लोग मरते रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें। अब मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, मैंने न्यूज़पेपर में भी ये चीज़ पढ़ी है बाकायदा, ये सिर्फ ऐसे नहीं है और जन मान्यता है ये। अब मैं इस चीज़ पे ये नहीं कहती कि ये बात सही है या गलत है, और ये सबका अपना अपना नज़रिया होता है, और मैं आप लोगों को ये भी नहीं कहती कि आप लोग जो है अंधविश्वास में विश्वास रखो, बढ़ाओ विश्वास, बट इट्स योर ऑन चॉइस कि आप इस चीज़ को मानना चाहो या नहीं। मैं जस्ट वो बता रही हूँ जो यहाँ पे होता है। आपके वहाँ पे मुझे लगता है कि प्लेस टू प्लेस ये डिफर करता है, हर जगह में काफ़ी डिफरेंस रहता है, बिकॉज मैंने यहाँ का थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर किया और हमारे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हमारे इतना जो है डीपली मतलब इस तरीके से नहीं मनाया जाता इस चीज़ को, हाँ थोड़ा सा होता है ये बट इतना नहीं, यहाँ पे काफ़ी कुछ जो है किया जाता है। अगर इस दिन के बारे में और इस चीज़ के बारे में मैंने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दी होगी या कोई अधूरी इन्फॉर्मेशन दी होगी, किसी को मुझसे ज़्यादा पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड मुझे करेक्ट ज़रूर कीजिए। तो आप लोगों को क्या होता है, किस तरीके से
इस दिन को मनाया जाता है, या फिर मैं कहूँ कि किस तरीके से बचा जाता है बुरी शक्तियों से, सो वो मेरे साथ आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड इसी के साथ आज के इस व्लॉग को एंड कर देते हैं, और ध्यान रखिए अपना आप लोग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर।